NIOS की तरफ से आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर गीतिका मेहरोत्रा शिक्षक प्रशिक्षण से जुड़ी हुई हूँ और देहरादून से हूँ। इसके अलावा मैं स्वतंत्र रूप से इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय और देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार से भी जुड़ी हूँ। आज हम चर्चा करेंगे वृद्धि एवं विकास की अवस्थाएँ, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अवस्था शैशवा अवस्था, जहाँ से व्यक्ति अपने जीवन का प्रारंभ करता है। ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि मानव सृष्टि की उत्कृष्ट रचना है। इसका विकास कर इसके व्यक्तित्व को निखारना तथा शिक्षा एवं शिक्षा विदों का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। लेकिन व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए उसके वृद्धि एवं विकास के क्रम को समझना अत्यंत आवश्यक है। यूं तो वृद्धि एवं विकास शब्द बढ़ने की दिशा की ओर ही संकेत करते हैं, किंतु इन दोनों में स्पष्ट अंतर है। वृद्धि का अर्थ शरीर और उसके अंगों के आकार, भार, ऊंचाई या लंबाई अर्थात परिमाण में बढ़ने से होता है। आप कह सकते हैं कि वृद्धि परिमाणात्मक होती है। जब हमारे शरीर का आकार बढ़ता है, हमारी लंबाई बढ़ती है। फ्रैंक ने वृद्धि को कोशी वृद्धि के अर्थ में प्रयोग किया है। शरीर और व्यवहार के विशेष पहलू में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें वृद्धि कहते हैं। विकास व्यक्ति की क्रियाओं में निरंतर होने वाले परिवर्तनों में दिखाई देता है। अतः विकास शरीर के गुणात्मक अर्थात गुणों में परिवर्तन है, जिसके कारण व्यक्ति की कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और उसके विभिन्न अंगों की कार्यप्रणाली के समन्वय में प्रगति होती है। गुणों के विकास के साथ साथ मानव के व्यक्तित्व में गुणों की एक माला बननी शुरू हो जाती है और इसी के द्वारा वह अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। अतः हम कह सकते हैं कि विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की विभिन्न योग्यताओं, विशेषताओं, क्षमताओं, मानसिक शक्तियों तथा सामाजिक संवेगात्मक एवं चारित्रिक लक्षणों का आविर्भाव होता है। विकास और वृद्धि एक दूसरे के पूरक हैं। विकास जहाँ तक गुणात्मक होता है तो वृद्धि परिमाणात्मक होती है। वृद्धि और विकास को हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। वृद्धि एक निश्चित आयु तक चलती है तो विकास जीवन पर्यंत चलता है और हमारे अनुभव उसमें जुड़ते चले जाते हैं। जब हम मानव विकास की बात करते हैं, उसकी अवस्थाओं की बात करते हैं, तो बहुत आवश्यक है कि हम उसकी अवस्थाओं के बारे में भी जानें। वैदिक काल से ही व्यक्ति के समग्र विकास की बात कही गई है। समग्र अर्थात व्यक्ति का पूर्ण विकास, पूर्णता की तरफ विकास। उस समय व्यक्ति की आयु 100 वर्ष मानी गई थी। उसी के अनुसार व्यक्ति के विकास की चार अवस्थाएं बताई गई थी, जिसमें पहली है ब्रह्मचर्य अवस्था, जन्म से 25 वर्ष तक, जिसमें व्यक्ति अपनी सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, ज्ञानात्मक सभी प्रवृत्तियों का विकास करके अपने को पुष्ट बनाता है। दूसरी अवस्था है गृहस्थ आश्रम या गृहस्थ अवस्था, जिसको 25 से 50 वर्ष की उम्र तक रखा गया है। इसमें व्यक्ति जब ब्रह्मचर्य के पश्चात अपनी सभी विशेषताओं को कर्मठ रूप से आगे बढ़ाकर जब अपने सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है, तो वो अपने सभी सामाजिक दायित्वों का निर्वाह गृहस्थ में 25 से 50 वर्ष की आयु में करता है। तीसरी अवस्था है वानप्रस्थ, 50 से 75 वर्ष तक की अवस्था, जिसमें व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को अपनी अगली पीढ़ी को सौंपने की तैयारी करता है और साथ ही साथ यह निरीक्षण भी करता है कि उसकी अगली पीढ़ी उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के योग्य भी है या नहीं है। चौथी अवस्था आती है संन्यास अवस्था, 75 से 100 वर्ष तक, जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियों से अलग हटकर भगवत भजन की ओर लग जाता है। और इस अवस्था को इसीलिए हम लोगों ने संन्यास की अवस्था का नाम दिया है, जिसमें हम अपनी ज़रूरतों को बहुत सीमित कर देते हैं और अपना सारा ध्यान अपने
मोक्ष प्राप्ति जो कि हमारी शिक्षा का लक्ष्य भी कहा गया है उस ओर लगाते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्ति के विकास की संपूर्ण प्रक्रिया को अलग तरीके से बांटा है। उन्होंने शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष से 50 वर्ष तक और वृद्धावस्था 50 वर्ष के उपरांत अंतिम क्षण तक। अगर हम इन अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे तो शैशवावस्था एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है जहाँ पर हम जीवन की नींव डालते हैं। बाल्यावस्था को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण काल के रूप में इसे संज्ञा दी जाती है और किशोरावस्था तो आप जानते ही हैं कि हमेशा तनाव और संघर्ष की अवस्था रही है। प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति स्थायित्व की तरफ बढ़ता है और वृद्धावस्था में अपनी जिम्मेदारियों, अपनी संस्कृति को दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करने का प्रयास करता है। शैशवावस्था, सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करेंगे। सामान्यतः मानव शिशु के जन्म से 5 या 6 वर्ष की अवस्था शैशवावस्था मानी जाती है। इसे प्रारंभिक बाल्यकाल भी कहा जाता है। मनुष्य की यह अवस्था सबसे महत्वपूर्ण होती है क्योंकि शैशवावस्था ही वह आधार है, वह नींव है जिस पर बालकों के भावी जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इस समय हम बालक के अंदर जिन आदतों का, जिन प्रवृत्तियों का विकास देखना चाहते हैं आगे जाकर, उन सभी की नींव यहीं पर डाली जाती है। और जैसा व्यवहार, जैसे मूल्यों का विकास, जैसी अभिवृत्ति हम बालक के अंदर विकसित कर देंगे, वही व्यक्तित्व लेकर बालक जीवन पर्यंत चलता रहेगा। स्ट्रेंग के विचार में जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। यद्यपि किसी भी आयु में उसमें परिवर्तन हो सकता है, किंतु प्रारंभिक प्रतिमान सदैव बने रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये इन्होंने जिस तरीके से इसको कहा है और हम लोग भी यही लेकर चलते हैं कि बालपन ऐसी अवस्था होती है कि जब हम बालक के पर्सनैलिटी के भवन का या व्यक्तित्व का भवन तैयार करने के लिए जो भी प्रतिमान, जो भी प्रारूप निश्चित करते हैं वो शैशवावस्था में ही निर्धारित किए जाते हैं। शैशवावस्था को पूरी तरीके से जानने के लिए, उसके विकास क्रम को समझने के लिए और उसी के अनुसार उसके विकास को उचित दशा देने के लिए हमें शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताओं को जानना अत्यंत आवश्यक है, जिनमें पहली है शारीरिक विकास में तीव्रता। इस समय शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से हो रहा होता है। दूसरा, मानसिक शक्तियों का तीव्र विकास। जल्दी जल्दी बालक सीखने का प्रयास करता है, अपने आसपास के वातावरण को पहचानने की कोशिश करता है। तीसरा, सीखने की प्रक्रिया की तीव्रता। सीखने की प्रक्रिया भी अत्यंत तीव्र हो जाती है। वो उलटना पलटना और 6 वर्ष की आयु तक आते आते वो बड़ों की तरह व्यवहार करने की कोशिश करने लगता है। चौथा, काल्पनिक जगत में विचरण। बच्चों का शैशवावस्था में एक अपना ही कल्पना जगत होता है जिसमें वो व्यस्त रहते हैं और अपने विचारों की अभिव्यक्ति भी वो उसी कल्पना जगत से करते हैं। और तभी हम कहते हैं कि ये बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, ये बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसका कल्पना जगत इन प्रवृत्तियों को दर्शाता है। पाँचवा, मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार की अधिकता। बालक में शैशवावस्था में मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार बहुत अधिक होता है। सिर्फ अपने दुख, अपने आनंद, इस भावना की सुरक्षा वो बहुत, जिसको आप कहेंगे कि तन्मय होकर करता है, बहुत जतन से करता है कि उसे अपना कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। छठा, आत्म प्रेम की भावना। इस अवस्था में बालक अपने से प्रेम करता है, सबसे ज़्यादा उसका प्रेम अपने से होता है। फिर सातवां, दूसरों पर निर्भरता। अपने कार्यों के लिए वो दूसरों पर निर्भर रहता है, ये बात हम सभी लोग जानते हैं। आठवां, नैतिकता का अभाव। उसे गलत और सही की पहचान नहीं होती। यही नींव हमें डालनी होती है कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। फिर अगली विशेषता आती है अनुकरण द्वारा सीखना। बच्चा नकल बहुत करता है। हम कहते भी हैं कि बच्चा कोरी स्लेट की तरह है, टेबुला रासा, जिस पर हम जो चाहें लिख सकते हैं। दसवां, दोहराने की प्रवृत्ति। अनुकरण के साथ साथ वो क्रियाओं को, वो प्रतिक्रियाओं को दोहराता है। ग्यारहवीं विशेषता है सामाजिक भावना का विकास।
सामाजिक भावना, जिसमें वो अपने आसपास के लोगों को पहचानता है, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, उसके आसपास का जो वातावरण है उसको पहचानने का प्रयास वो करता है। अगली विशेषता है संवेगात्मक विकास। इस समय थोड़े थोड़े उसका संवेगात्मक विकास भी होने लगता है, जिसमें वो क्रोध दर्शाने लगता है, प्रेम दर्शाने लगता है, ईर्ष्या दर्शाने लगता है, डर भी दिखाई देता है। अगली विशेषता है जिज्ञासा की प्रवृत्ति, जो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम उसके जिज्ञासु प्रश्नों का उत्तर दें और उसकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करें। अगली विशेषता है एकांत एवं समूह में खेलने की प्रकृति। आरंभ में बालक एकांत में खेलने का प्रयास करता है और उसके बाद वो समूह में खेलने की कोशिश करता है और उस समूह का जिसको वो पसंद करता है उसके सदस्य बनने की कोशिश भी उसमें लगातार व्याप्त रहती है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास। शारीरिक विकास शैशवावस्था में अत्यंत तेजी से होता है। शरीर का आकार एवं भार में परिवर्तन, मांसपेशियों एवं हड्डियों में दृढ़ता, मस्तिष्क के आकार एवं क्रियाशीलता में वृद्धि, पाचन तंत्र की सबलता एवं दांतों के निकलने के माध्यम से शैशवावस्था में शारीरिक विकास होता है। शैशवावस्था में मानसिक विकास की प्रक्रिया। शैशवावस्था में मानसिक विकास संवेदना आधारित होता है, अर्थात संवेदनात्मक होता है। मानसिक विकास का मुख्य साधन ज्ञानेंद्रियों की क्षमता एवं गुणवत्ता का विकास होता है। वह ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करता है, देखकर, सुनकर, छूकर, चखकर। ज्ञानेंद्रियां इस समय उसके संवेदना विकसित करने का महत्वपूर्ण साधन होती हैं और इसी के द्वारा वो ज्ञान को भी प्राप्त करता है। बालक के मानसिक विकास को अनेक कारक प्रभावित करते हैं, जिसमें से मुख्य हैं बच्चे के विकास का ढंग। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम बच्चे को बच्चे की तरह बड़ा करते हैं या बच्चे को बड़े की तरह उसके साथ व्यवहार करते हैं। कहा भी गया है कि बालक व्यक्ति का पिता होता है, चाइल्ड इज़ दी फादर ऑफ मैन। इसलिए ये गलती हमें कभी नहीं करनी चाहिए कि हम बच्चे को बच्चा समझें और उसकी हर बात को टालते चले जाएं। उसको बड़ा समझकर उसे वास्तविक परिस्थितियों से परिचित कराने का प्रयास इस अवस्था से ही शुरू कर देना चाहिए। अपनी छोटी छोटी मुश्किलों से उसे अवगत कराना, अपनी खुशी उसके साथ उसको बताना, अपने दुख उसको बताना, जिससे कि बालक आपके साथ मानसिक विकास जैसे जैसे उसका होगा वो संवेगात्मक रूप से जुड़ता चला जाएगा। दूसरा कारक है परिवेश की परिस्थितियाँ। वंशानुक्रम तो एक कारक है ही कि हम अपने वंश से क्या चीज़ हासिल करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारे परिवेश की परिस्थितियाँ। हमें कैसा वातावरण मिला है? अच्छा वातावरण मिला है तो अच्छी प्रवृत्तियाँ, धनात्मक प्रवृत्तियाँ हमारे अंदर विकसित होती हैं। तो बालक को भी अच्छा वातावरण देने का प्रयास करना अभिभावकों का परम कर्तव्य हो जाता है। तीसरा, परिवेश में मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक परिस्थितियाँ। जिस परिवेश में बालक रह रहा है वहाँ पर मनोवैज्ञानिक रूप से उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, सामाजिक रूप से वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी हैं। हम संयुक्त परिवार में रहते हैं या हम एकाकी परिवार में रहते हैं, माता पिता काम करते हैं बाहर जाकर या माता पिता काम नहीं करते हैं, उस पर गुस्सा दिखाकर बात की जाती है, तमीज़ से बात नहीं करी जाती है, या उसके साथ प्यार से उसको पूरी तरह से सम्मान के साथ बात की जाती है। ये भी बालक के शैशवावस्था में विकास करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। अगला कारक है मानसिक विकास का मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त परीक्षण। जरूरी नहीं है कि हम बड़े बड़े परीक्षणों को लेकर मानसिक विकास का मूल्यांकन करें, लेकिन थोड़े थोड़े समय पर बालक के मानसिक विकास का मूल्यांकन उसकी क्रियाओं के द्वारा करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, जिससे कि हम उसके मानसिक विकास को सही दिशा की तरफ निर्दिष्ट कर सकें। शैशवावस्था में अनेक मानसिक परिवर्तन होते हैं जो उसके जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। जिज्ञासा, ये सबसे मेरे हिसाब से तो ये सबसे महत्वपूर्ण कारक है और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है बच्चे में। क्यों, क्या, ये क्या है, वो क्या है, ये क्यों हो रहा है, ये सब जानने की बहुत सारी जिज्ञासा होती है और इस समय
हमें उसे जितना हो सके उतना बताना चाहिए, ये कहकर कि तुम अभी छोटे हो या तुम अभी नहीं जानते हो, उसके ज्ञान के दरवाजे बंद नहीं करना चाहिए। अभिभावक के रूप में, शिक्षक के रूप में हमारा ये काम हो जाता है कि हम उसके प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से दें जितना कि वो समझ सकता है। दूसरा, सामान्य प्रवृत्तियों का विकास। बालक के अंदर सामान्य प्रवृत्तियां जो कि हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में महसूस करते हैं, जिनका प्रयोग करते हैं, उनका विकास भी इसी समय अत्यंत आवश्यक हो जाता है। सामाजिक भावना का विकास, बच्चे को आगे जाकर समाज में रहना है, उसे अपने सामाजिक संबंध बनाने हैं, तो इसके लिए इस भावना का विकास शैशवावस्था से ही आरंभ कर देना चाहिए। ये माता हैं, ये पिता हैं, ये दादा हैं, ये दादी हैं, ये बड़े भाई हैं, बड़ी बहन हैं, इन चीज़ों से बच्चा सामाजिक रूप से लोगों से जुड़ना शुरू कर देता है। अगले में मानसिक शक्तियों का विकास, बच्चे की मानसिक शक्तियाँ, कल्पना शक्ति, चिंतन, मनन, ध्यान, इनका विकास भी शैशवावस्था से ही आरंभ हो जाता है। रचनात्मक प्रवृत्तियों का विकास, आपने देखा होगा कि बच्चे नए नए खिलौनों को तोड़ देते हैं, तोड़ के वो ये देखना चाहते हैं कि ये कैसे बना है, फिर उसे जोड़ने का प्रयास करते हैं, किसी नई चीज़ को बनाने का प्रयास करते हैं। अगला जो उसकी विशेषता है शैशवावस्था में, या अगला जो मानसिक परिवर्तन है, वो है भाषा विकास। बालक शैशवावस्था में जब बड़ों को बोलते देखता है तो वो जल्दी जल्दी बोलने का प्रयास करता है, उसके पास शब्द हों या ना हों, लेकिन अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का प्रयास निरंतर जारी रहता है। अगला मानसिक परिवर्तन है संवेगों का अनुभव। इस समय संवेगों का उतार चढ़ाव भी बालक के अंदर दिखाई देने लगता है, जैसे वो डर, क्रोध, भय, ईर्ष्या, इन भावों को दिखाना शुरू कर देता है। तो अगर हम कहें तो बहुत तेज़ी से शैशवावस्था में मानसिक परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। अगली बात हम करेंगे शैशवावस्था में सामाजिक विकास। बालक के सामाजिक विकास से उसका तात्पर्य सामाजिकरण से है, अर्थात समाज के संपर्क में आने से है। बालक पहले असहाय होता है, उसके बाद वो समर्थ होने लगता है, अपने कार्यों को खुद करने का प्रयास करता है, और यह सामर्थ्य उसे समायोजन की दिशा प्रदान करता है। समाज में जन्म लेने, विकसित होने तथा जीवन यापन करने के लिए सामाजिक आदर्शों तथा प्रतिमानों को आत्मसात करता है। बालक की प्रसुप्त शक्तियाँ जागृत होती हैं और सामाजिक विकास क्रम में वातावरण का अत्यंत महत्व है। यदि हम देखें सामाजिक विकास की बात करें तो वो अपने आसपास के लोगों को पहचानता है और जिस वातावरण में वो रहता है उसका प्रभाव उस बालक पर स्पष्ट दिखाई देता है। हमारे परिवार, हमारे आसपास का वातावरण अच्छा है तो बालक उस तरीके से रहेगा, उस तरह का व्यक्तित्व उसका दिखाई देगा, और यदि खराब है तो उसके अंदर भी वो प्रवृत्तियाँ दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। अगली बात आती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास। संवेगों का विकास हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। यदि संवेग सही तरीके से विकसित नहीं होंगे तो हमारा व्यक्तित्व विघटित हो जाएगा, और विघटित संवेगों के साथ व्यक्ति समायोजन कर ही नहीं सकता है। संवेग वास्तव में इमोशन शब्द का पर्यायवाची है, जो कि हमने अंग्रेजी शब्द से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ होता है संवेग। और अगर आप देखेंगे तो ब्रिज स्टोन ने बालक के संवेगों का अध्ययन करके उसके विकास क्रम में निश्चित किया है कि जन्म के समय बालक उत्तेजना दर्शाता है, वो जो भी भाव अभिव्यक्त करता है सिर्फ उत्तेजना के द्वारा करता है। 3 मास की अवधि में वो पीड़ा और आनंद को व्यक्त करने लगता है। 1 मास की अवधि में वह पीड़ा और आनंद को अभिव्यक्त करने लगता है। 3 मास की अवधि में वह क्रोध दर्शाने लगता है। 4 मास की अवधि में अपनी परेशानी को बताने लगता है। 5 मास की अवधि में डर को अभिव्यक्त करता है। 10 मास की अवधि में प्रेम दर्शाने लगता है। 15 मास की अवस्था में ईर्ष्या उसके हृदय में आने लगती है। कोई दूसरे बच्चे को माँ प्यार कर रही है तो वो तुरंत आकर वहाँ बैठ जाएगा कि कहीं उसका मूल्य माँ के लिए कम तो नहीं हो गया है। 2 वर्ष की अवस्था में वो खुशी जाहिर करने लगता है।
इसी संवेगात्मक विकास के साथ साथ उसकी भाषा भी विकसित हो रही होती है। तो शैशवावस्था में भाषा का विकास, जैसे जन्म से वह सिर्फ रोकर बताता है, 4 मास के समय में वह स्वरों का उच्चारण करने लगता है, जैसे दा पा, और कुछ व्यंजन भी बोलना शुरू कर देता है। 8 मास की अवधि में अपने ही शब्दों को दोहराता है, जैसे माँ माँ, बा बा। 1 वर्ष में वह शब्दों को बोलता है। 18 माह में लगभग 100 शब्द उसके पास हो जाते हैं। 2 वर्ष में वो शब्दों की श्रृंखला बना लेता है और 3 से 6 वर्ष में वह बातचीत करता है। ऐसे समय में माँ बालक के संकेतों को समझकर उसके सब शब्द भंडार में वृद्धि करती है, जिससे बालक में 4 कौशलों की अभिवृद्धि होती है। पहला, पूर्ण स्वरूपीकरण अर्थात सही उच्चारण, बहुत महत्वपूर्ण है। बालक से हमें कभी भी गलत उच्चारण में बात नहीं करनी चाहिए। दूसरा, सत्य क्रियान्वयन, वास्तविकता से परिचय कराएं किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का, जिससे उसका सही प्रत्यय उसके मस्तिष्क में स्थापित हो। तीसरा, उत्साहवर्धन, परिस्थिति अनुसार बोलने का अभ्यास। चौथा, संभाव्यता, संभावित व्यवहार, संभावित परिस्थितियों में वो किस तरीके का विकास करेगा। भारतीय मनोविज्ञान एवं परंपरा ने वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले 4 कारक बताए हैं। पहला, देश एवं क्षेत्र, जहाँ पर बच्चा जन्म लेता है उसकी भौगोलिक परिस्थिति भी उस पर प्रभाव डालती है। काल, समय, जिस समय में जिस नक्षत्र में बालक जन्म लेता है वो भी उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। श्रम, भारतीय मनोविज्ञान ने संपूर्ण जीवन को श्रम में ही बताया है, अतः श्रम का बहुत ज़्यादा महत्व है। चौथा, गुण, सत, रज और तम, बालक इन 3 ही गुणों का समुच्चय होता है और यह निर्भर करता है उसके वातावरण पर कि कौन सा गुण उसमें प्रभावी होगा। इसके अलावा भारतीय मनोविज्ञान ने श्रम को संस्कारों में भी परिवर्तित किया है, जिसमें पहला है जात कर्म संस्कार, जिसमें उसकी जिह्वा पर ओम लिखकर उसे ये बताया जाता है कि वह पशु नहीं मनुष्य है। दूसरा, नामकरण संस्कार, जो उसकी चेतना का प्रतीक है। नाम बच्चे की चेतना का प्रतीक होता है, उसके ज्ञानेंद्रिय विकास का प्रतीक होता है, इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम बच्चे का नाम बहुत सोच समझ कर रखें, क्योंकि उसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है। तीसरा, अन्न प्राशन संस्कार, अन्न देहिक पुष्टि का प्रतीक है और शरीर की पुष्टि ही हमें आगे चलकर अपने जीवन को सही ढंग से बिताने का आधार प्रस्तुत करती है। मुंडन संस्कार, जिसको हम सौंदर्यवर्धन और स्वच्छता का प्रतीक मानते हैं, साथ ही साथ इसको मानसिक विकास का भी प्रतीक माना गया है। और ये सारे संस्कार हमें शैशवावस्था में करवा कर बच्चे को एक पुष्ट जीवन की तरफ ले जाना चाहिए। शैशवावस्था के विकास क्रम को ध्यान में रखते हुए बालक को भली प्रकार शिक्षित करके अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सकता है, और तभी बालक को यह आशीर्वाद हम लोग दे सकते हैं, अश्म भव परशुरमव हिरण्य समस गुतम भव, अर्थात पत्थर के समान दृढ़ हो, पशु के समान शत्रुओं के ध्वंसक बनो, शुद्ध सोने के समान पवित्र बनो। आशा करती हूँ कि ये चर्चा आप लोगों को अच्छी लगेगी और आगे भी हम विभिन्न विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।